हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में ओसी में लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और उसके डिफरेंस के बारे में किया था। अब आज के इस वीडियो में हम करेंगे कि बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो लैकिंग्स कहाँ पे आ जाती हैं वो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस एंड लॉयल्टी ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज। कम्युनिकेशन इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी, सो ह्यूमन लिमिटेशंस आर सच एज अफेक्शंस, मिस्टेक, इंस्टीमेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्ट्रस्ट, फियर एक्सेट्रा कम्स एज अ बैरियर, सो दैट बैरियर्स कैन बी एज फॉलो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई भी कम्युनिकेशन हम करें तो इफेक्टिव कब होता है कि जब हम लॉयल्टी के साथ जो भी वर्कर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके अगर वो प्रॉपर लॉयल्टी के साथ काम करेंगे तभी हमारे बिजनेस में जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल जाएगी। कम्युनिकेशन इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे एक ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि हम बातचीत वर्कर्स के साथ करें, इसलिए जब भी वर्कर्स के कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि वो मिस्टेक्स करते हैं, अफेक्शंस मतलब कि एक अट्रैक्ट हो जाते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, इंस्टीमेट कर लेते हैं कभी कभी, कुछ डिस्टर्ब या फियर डर के फीलिंग्स के कारण भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे आपको लैकिंग्स मतलब कि बैरियर्स दिए गए वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ प्लानिंग। इफ़ द ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट प्लान, सेंडर विल कॉल रॉन्ग एंड अनक्लियर एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर हम जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें प्रॉपर सिस्टम में नहीं भेजेंगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं भेजेंगे, तो जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंडर जो है वो भेज सकेगा और रिसीवर को गलत इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। सेकेंड इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। Employers working in the middle level receive message from top level. Such a message may not be a mother tongue. After analysis, the information are sent to the bottom level. At that time, chances of mistake of in translation are there. अब यहाँ पे क्या हो कि जो एम्प्लॉयज़ जो है वो मिडल लेवल के थ्रू जो टॉप लेवल जो है मैसेज भेजते हैं वो मिलता है उन्हें, बट कभी कभी वो जो मैसेज होता है वो मदर टंग में नहीं होता है कि उनकी जो मदर टंग है उसमें नहीं होता। एज अ रिजल्ट जब भी बॉटम लेवल तक ट्रांसलेशन करके वो इन्फॉर्मेशन आते तो उसमें कभी कभी ट्रांसलेशन की भी मिस्टेक हो जाती और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सही भी नहीं हो पाती है। उसके बाद का थर्ड पॉइंट है अनक्लियर मैसेज। Many times it is use of various mediums of communication. Important method are presented in the unclear method. Words and sentences are arranged in an improper manner. There is no coordination in message. As a result, such a message are failed to give clear understanding to the receiver. दस इट ऑब्स्ट्रक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे कुछ मीडियम्स जो हैं वो अलग अलग यूज़ करते हैं कि पर्सन जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए, और अगर हमें अनक्लियर मैसेज मिले, प्रॉपर सेंटेंस अरेंज ना हो, वर्ड्स अरेंज ना हो, कोऑर्डिनेशन ना हो मैसेज के बीच में, तो वो मैसेज जो है वो फेल होता है और प्रॉपर अनक्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें नहीं मिल पाती है। सेकेंड इज फोर्थ इज अनक्लियर अजम्पशंस। मेनी मैसेज डिपेंड ऑन द गेस वर्क एंड अजम्पशंस। इफ देयर आर नॉट क्लैरिफाइड व्हाइल ट्रांसमिटिंग मैसेज दे मे बी चेंज इन देयर मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। के कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि जो अजम्पशंस के ऊपर मतलब कि थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, अगर हमें प्रॉपर अजम्पशंस नहीं मिलते हैं तो एज अ रिजल्ट वो मैसेज जो है उसका मीनिंग एंड उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। थर्ड फिफ्थ इज शॉर्टेज ऑफ टाइम। मेनी टाइम डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन इट इज़ इम्प्लीमेंट। इफ इन्फॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल ऑन टाइम दैन देर इज़ अ रिमेन मीनिंग ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस डिक्रीज। यहाँ पे ऐसा कि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि जो टाइम बेस्ड होते हैं कि अगर हमने प्रॉपर डिसीजन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर हमें टाइम पे नहीं मिली तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो मैसेज है उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है और उस कम्युनिकेशन प्रोसेस का कोई भी मीनिंग नहीं रहता है। सिक्स्थ पॉइंट इज ओवरबर्डन इन कम्युनिकेशन। इन बिग इंडस्ट्रीज देर इज अ कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूसली एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन। इफ इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड बाय समवन हु मे बी ओवरबर्डन देन इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग प्रेशियसनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रीफर टू परफॉर्म हिज फंक्शन। इन सच अ सिचुएशन द इन्फॉर्मेशन आर नॉट ट्रांसमिट इन द प्रॉपर प्लेस एट्स प्रॉपर फेल पर्पज फेल। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी इंडस्ट्रीज में रोज कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता रहता और एज अ रिजल्ट वर्कर्स का जो काम है उसका बर्डन भी बढ़ जाता है कि जो वर्कर कम्युनिकेशन के लिए कि जो पर्सन की हमने कम्युनिकेशन करने के लिए अपॉइंट किया तो उसके पास बर्डन बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट वो सही काम प्रॉपर अच्छे से ओवर बर्डन के कारण वो प्रॉपर वेल परफॉर्म नहीं कर पाता और जो इन्फॉर्मेशन है सही जगह पे नहीं पहुंच पाते, रिजल्ट वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का पर्पस जो है वो फेल हो जाता है।
सेवन्थ पॉइंट इज इग्नोरेंस टूवर्ड मैसेज. मेनी टाइम हायर मैनेजर्स और बॉटम लेवल एम्प्लॉयज रिमेन इनअटेंटिव एंड केयरलेस रिगार्डिंग मैसेज. देयर अ कंपनी डज नॉट गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन. हर्डल्स इन कम्युनिकेशन आर क्रेडिटेड इफ़ मैसेज इन्फॉर्मेशन आर इग्नोर. कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैसेजेस हैं वो इग्नोर किए जाते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा या बॉटम लेवल जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा वो जो मैसेज है उसे इग्नोर किया जाता है. बट अगर इस तरह से मैसेजेस इग्नोर करेंगे तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी और एक हर्डल्स क्रिएट होंगे. एट पॉइंट इज इन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडिया. स्पेसिफिक मीडियम आर सिलेक्टेड टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन. If these mediums are not selected properly, then the barriers of communication are created. कि अगर अलग अलग मीडियम्स जो है वो हमारे मैसेज सेंड करने के लिए रिसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बट अगर वो मीडियम हमने प्रॉपर एंड सिस्टमेटिकली यूज़ नहीं किए तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं जाएगी. एट पॉइंट इज डिस्ट्रस्ट एंड फियर. इन एन ऑर्गेनाइजेशन वैन देर इज द एटमोसफियर ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड फियर एवरी मैसेज प्रिसीव्ड विद डाउट. This information is changed due to fear. The correct information which lead to punishment or fine. Past experience must have shown that the result in the adverse consequence and punishment. Therefore, correct information is consulted. अब यहाँ पे कभी कभी कोई भी बिजनेस में distrust हो, मतलब कि ट्रस्ट ना हो और फियर की फीलिंग्स हो, तो जो सही इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाती है. कि अगर सही इन्फॉर्मेशन के कारण अगर उन्हें पनिशमेंट मिलेगा तो इस डर के कारण जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो बिजनेस में प्रोवाइड नहीं की जाती है. तो ये थे इसके बैरियर्स के. अगर प्रॉपर हम प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे, मैसेज क्लियर नहीं होगा, अनक्लियर असम्पशंस होंगे, पर टाइम पे हम नहीं भेजेंगे, तो एज अ रिजल्ट जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो हमारी सक्सेसफुल नहीं जाएगी. बट अब ये जो बैरियर्स है उसको ओवरकम करने के लिए, मतलब कि इस बैरियर्स ये जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए कौन से मेजर्स हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए वो हम देख लेते हैं. Communication system should be arranged as per the organizational structure and it should not be obstruct the information. कि अब जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर से बनाना चाहिए और उसे उस इन्फॉर्मेशन को कोई भी डबल मीनिंग वाली इन्फॉर्मेशन ना हो, इस तरह से हमें ध्यान रखना है. Information given by sender should be precise so that the receiver can understand properly. कि जो भी information हम दे रहे हैं वो correct and short में समझानी चाहिए ताकि जो receiver है उसे समझ में भी आ जाए सारी information easily. Various mediums of communication have different effects. Therefore, an appropriate medium of communication should be selected. कि जो भी हम medium select करने वाले हैं वो proper select करना चाहिए. अलग अलग जो भी mediums उसमें से proper medium हम select करेंगे तो हमारी information जो वो easily पहुँच चाहिए. फोर्थ इज कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. इट शुड बी अरेंज इन अ मैटर एज इन्फॉर्मेशन मस्ट फ्लो बोथ द डायरेक्शन ईजिली. अब यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो वन वे प्रोसेस नहीं बट अ टू वे प्रोसेस. इसलिए जब भी हम कम्युनिकेशन करें तो ध्यान रखना है कि हमें सेंडर जब भी मैसेज भेजे तो रिसीवर के पास से जो फ्लो है, जो इन्फॉर्मेशन का फीडबैक है वो उसे मिलता रहे. फीलिंग ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इज मस्ट बिटवीन टू पार्टीज. कि अब यहाँ पे फीलिंग ऑफ ट्रस्ट होना और कोऑपरेट करना दोनों पार्टीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है. कम्युनिकेशन चैनल शुड बी शॉर्टर एज मच एज पॉसिबल सो दैट द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन विल नॉट स्टॉप एंड देर विल नॉट अ डिले इन कम्युनिकेशन. अब यहाँ पे जो भी चैनल्स के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं वो जितना शॉर्ट हो और जितनी फास्ट सर्विस हो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा. कि अगर फ्लो इन्फॉर्मेशन चैनल जो है वो कम होंगे तो ऐसा रिजल्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी मिलेगी और हम जो डिसीजंस लेने हो इसीलिए हम डिसीजंस ले पाएंगे. कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी फास्ट. कि जो भी हम कम्युनिकेशन करें वो फास्ट होनी चाहिए, स्लो प्रोसेस नहीं होनी चाहिए. अगर स्लो प्रोसेस होगी तो उस डिसीजन का, उस इन्फॉर्मेशन को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा. एट पॉइंट इज कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी गोल ओरिएंटेड. कि जो भी हम बातचीत करें वो गोल के रिलेटेड, मतलब कि फॉर्मल वे में होनी चाहिए, इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं होनी चाहिए. ब्रॉडकास्टिंग और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज द बर्डन ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर. कि जब भी हम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करें, मतलब कि प्रोवाइड करें, तो अनक्लियर इन्फॉर्मेशन या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं भेजनी है बल्कि
जो हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है, कि जो फॉर्मल वे में ज़रूरी है उसी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे भेजेंगे। टाइम टू टाइम इवेल्यूएशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी डन सो एज पर चेंजिंग सिचुएशन चेंजेस कैन बी मेड, कि कम्युनिकेशन सिस्टम को हम चेंज करते रहे, टाइम टू टाइम उसे इवेल्यूएट करते रहे, इसलिए अगर कोई भी चेंजेस लाने तो ईजिली हम उसमें चेंजेस लेके आ सकें। During the entire process of communication, sender should not have any personal interest in it. For example, message sender hides few messages or purposely give incomplete information or presented it incorrectly. अब यहाँ पे जो भी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं एट द टाइम, कोई भी सेंडर का कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। जो भी हम कम्युनिकेशन करें वो बिजनेस के लिए होना चाहिए। कोई भी हाइड मैसेज हाइड ना करना या गलत इन्फॉर्मेशन देना, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देना, ऐसा कोई भी काम जो है वो सेंडर नहीं करेंगे। अगर ये सारे स्टेप्स जो हैं कि ये सारे मेजर्स अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे बिजनेस में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव होगी और हम इजीली वो सारे काम जो है वो हमारा जो मैसेज है उसे हम इजीली कन्वे कर सकेंगे। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और उसे मेज़र करने के कौन से, मतलब कि उस बैरियर्स से ओवरकम करने के लिए हम कौन से मेजर स्टेप्स हम ले सकते हैं वो। इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो 6th चैप्टर है डायरेक्टिंग वो कंप्लीट होता है। न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।